बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा पार्ट 3 HDW बेसिक के अंदर जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसमें आपको मालूम है कि हम पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट, एनालाइज द प्रॉब्लम, डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, यहाँ तक हम कर चुके हुए हैं। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कोडिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनिंग और डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, इनको हम डिटेल में इंशाल्लाह देखते हैं। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले हम चलते हैं अपने जो लास्ट स्टेप जहाँ से हम इसको जो स्टार्ट करना है वो है कोडिंग। तो इसको देख लेते हैं हम। कोडिंग, जैसे कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड कोडिंग। यानी कोडिंग में क्या होता है कि प्रोग्राम जो है वो लिखा जाता है, कोड किया जाता है इसके अंदर, किसी भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कोडिंग, प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कोड, बिकॉज प्रोग्राम जो है वो इट सेल्फ कोड्स होते हैं। तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कोड दैट इज़ कॉल्ड कोडिंग, या प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम दैट इज़ कॉल्ड कोडिंग। तो अब इसमें वर्ड आया प्रोग्राम का, तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनको कोड्स कहा जाता है गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। कोडिंग इज़ डन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज। हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है, उसके मुताबिक उसकी कोडिंग की जाती है। और बात कर रहे हैं कि सिंटैक्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। यानी जो सिंटैक्स होता है वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोसीजर होता है कि किसी प्रोग्राम को लिखना किस तरीके से, उसके कहाँ सेमीकोलन लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, कहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, कहाँ स्पेस आएगी, कहाँ नहीं आएगी। तो ये इसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो बात करें कि द कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। ये सोर्स कोड की डेफिनेशन है कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम कोडिंग कर रहे होते हैं, जो कोड हमारा जो लिखा जाता है, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, उसको सोर्स कोड कहा जाता है। कोडिंग इज़ मेड अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। जैसा आपका एल्गोरिदम होगा वैसी आपकी कोडिंग होगी। यानी एल्गोरिदम में स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो जैसे वो स्टेप्स लिखे होंगे उसी के मुताबिक आप कोडिंग करेंगे। तो ये था जी कोडिंग। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। तो इसमें बात कर रहे हैं कि वंस द प्रोग्राम इज रिटन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू टेस्ट इट बाय सैम्पल डेटा। कि एक बार जब आप प्रोग्राम लिख लेते हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप उसको टेस्ट करना होता है, क्योंकि आप प्रोग्राम मुकम्मल कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली अब आप उसको टेस्ट करेंगे कि ये आपको जो आप सोच रहे थे, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, वो आपको दे रहा है या नहीं। तो इफ़ द सिस्टम इज़ प्रोवाइडिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अगेन एंड अगेन इट मीन्स इट इज़ वर्किंग फाइन। अगर आपको बार बार टेस्ट करने से सेम डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी जो आप चाह रहे थे वही हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इफ़ डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आर नॉट अचीव्ड दैन द नेक्स्ट स्टेप इज़ डीबगिंग। अगर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको उसको डीबगिंग करना होगा, मतलब उसमें कोई एरर है तब आप उसको डीबग करेंगे। डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम। डीबगिंग में क्या होता है कि आप प्रोग्राम के अंदर जो आने वाले एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं और उसको रिमूव किया जाता है प्रोग्राम से। वंस द डीबगिंग इज़ फिनिश्ड, एक बार जब डीबगिंग मुकम्मल हो जाती है, द प्रोग्राम इज़ अगेन टेस्टेड and this process continues till the required results are achieved। तो एक बार जब प्रोग्राम को जो डीबग कर लिया जाता है, फिनिश हो जाता है, तो प्रोग्राम को दोबारा से हम टेस्ट करते हैं और ये प्रोसेस उसी तरह चलता रहता है जब तक कि हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ जाते। एक प्रोग्राम में कितने एरर्स हो सकते हैं, यहाँ पे इनकी डिटेल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उनको डिस्क्राइब किया गया है कि वो सिंटैक्स एरर हो सकता है, लॉजिकल एरर्स हो सकता है और रन टाइम एरर्स हो सकता है। ये एक सेपरेट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और वो है नंबर 7, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। वंस अ प्रोग्राम हैज़ बीन टेस्टेड थॉरली, जब एक बार एक प्रोग्राम को प्रॉपर तौर पर थॉरली कम्प्लीटली उसको टेस्ट कर लिया जाता है, तो इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड एंड पुट इनटू ऑपरेशन एट द साइट। को जहाँ उसको इस्तेमाल करना है, साइट जहाँ उसको यूज़ करना है, वहाँ पे उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है और उसको ऑपरेशनल कर दिया जाता है। दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा टू अ न्यू वर्किंग एनवायरनमेंट। यानी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर आप हार्डवेयर को भी और सॉफ्टवेयर को भी और अपना जो डेटा होता है, जो फाइल्स होती हैं, उसको आप अपनी नई वर्किंग एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर देते हैं, उसको वहाँ पे ऑपरेशनल कर दिया जाता है। यूज़र ऑफ द सिस्टम कैन आल्सो बी ट्रेन्ड इन दिस फेज़। यानी जो इम्प्लीमेंटेशन है इसी के अंदर जो यूज़र हैं उसको ट्रेनिंग भी यहाँ पे दी जाती है। तो यानी ट्रेनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। 7 और 8 स्टेप है मेंटेन अपडेट द प्रोग्राम। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस टू इम्प्रूव द सिस्टम, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते हो और ये कोई एक बार का काम नहीं है। ऑब्वियसली आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को इम्प्रूव करना है, तो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। इट इज़ एन एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन है या ना, आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अपने सिस्टम को। अपग्रेडिंग, उसको आप अपडेट कर रहे हैं। एंड अपग्रेडिंग एंड माइनर इम्प्रूवमेंट्स, और छोटे छोटे जो इम्प्रूवमेंट्स हैं जो कि आपको ये आपको यूज़र असल में बताता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, शुरू में पहले दिन कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बनती है, लेकिन विद द पैसेज यूज़र बताता है आपको कि यहाँ पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको फिर इम्प्रूव किया जाता है। तो वो बात कर रहे हैं माइनर इम्प्रूवमेंट्स टू एन इंस्टॉल्ड प्रोग्राम, यानी ये एक्सपेंशन है, अपग्रेडिंग है और माइनर इम्प्रूवमेंट्स हैं इंस्टॉल्ड प्रोग्राम के ऊपर, यानी ये जो मेंटेनेंस एंड अपडेट है। द पर्पज़ ऑफ अपडेट इज़ टू मेक द सिस्टम मोर यूज़र फ्रेंडली, यानी अपडेट का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि जो सिस्टम है उसको ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली किया जाए। लास्ट स्टेप है हमारा इसका, और वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम्स एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग एंड इट्स प्रॉपर यूजेज। मतलब क्या है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है ये डिस्क्रिप्शन होती है, इन राइटिंग होगा ऑब्वियसली, और ये प्रोग्राम के एल्गोरिदम की राइटिंग है, उसकी डिटेल्ड है, उसके फ्लो चार्ट की डिटेल है, उसका जो डिज़ाइन है कैसे बना, उसके डिज़ाइन मतलब जो हार्डवेयर था उसका डिज़ाइन और उसके सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन। कोडिंग, उसकी डिटेल लिखी जाती है कि कोड कैसे लिखा गया, और फिर टेस्ट किया जाता है उसको, टेस्टिंग यानी उसमें आप देखते हो सैम्पल इनपुट देकर उसको आप चेक करते हो कि इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है, यानी टेस्टिंग। डीबगिंग, उसको अगर एरर्स आए तो उसको फिर डीबग किया जाता है। एंड प्रॉपर यूजेज, और फिर उसका ये डिटेल होती है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये एंड यूज़र के लिए होता है। नीचे देखते हैं जी। तो बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स बोथ प्रोग्रामर एंड एंड यूज़र। ये डॉक्यूमेंटेशन होती है ना सिर्फ ये प्रोग्रामर को हेल्प करती है बल्कि ये एंड यूज़र को भी हेल्प करती है। लेकिन प्रोग्रामर के लिए डॉक्यूमेंटेशन और हैं और जो एंड यूज़र है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन और हैं, और इसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फॉर प्रोग्रामर ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग आर इम्पोर्टेंट, उसके लिए हर एक ही इम्पोर्टेंट है। दीज डॉक्यूमेंट्स विल हेल्प हिम टू अपडेट एंड डिज़ाइन अ न्यू सिस्टम। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हेल्प करते हैं उसको अपडेट करने और उसको डिज़ाइन करने में, नया सिस्टम डिज़ाइन करने में। अब इसके अंदर क्या आ सकता है कि जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए, जैसे कि एल्गोरिदम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग, इसका सारी जो डिटेल्ड है वो सारी की सारी एक प्रोग्रामर को हेल्प करेगी। फॉर अ न्यू यूज़र ओनली अ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड यूज़र मैनुअल इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। जो कि एंड यूज़र होता है उसके लिए जो ज़्यादा अहम है वो सिर्फ उसका यूज़र मैनुअल होता है, और ये उसके लिए अहम है टू नो अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम, कि उससे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैंने इनपुट कैसे देना है और मुझे आउटपुट कैसे मिलेगा। ये हैज़ नो कंसर्न विद द कोडिंग, एंड यूज़र को कोई खर्च नहीं है कि कोडिंग कैसे हो रही है, इसका एल्गोरिदम क्या था, इसका फ्लो चार्ट क्या था, उसको एंड यूज़र से कोई खर्च नहीं है। उसे इनपुट देना है और आउटपुट लेना है। तो वो उसका एक मैनुअल जो होगा, जबकि मोबाइल आप खरीदते उसके अंदर भी कॉपी होती है, वो मैनुअल उसको कंसर्न है, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो ये था जी हमारा यहाँ तक का टॉपिक, और उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको जो है तीनों अच्छे लगे होंगे। पिछले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ आ जाए। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इसके अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी प्रॉब्लम का पता लगाते हैं, फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं कि क्या इसके लिए रेलेवेंट है, क्या इररेलेवेंट है। फिर उस प्रॉब्लम को जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर उसका एल्गोरिदम बनाते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, और फिर उसकी फ्लो चार्ट बनती है ताकि प्रोग्रामर अंडरस्टैंड कर सके। जब वो बन जाते हैं तो फिर उसकी कोडिंग की जाती है, फिर उनको टेस्ट किया जाता है, फिर अगर एरर आ जाए तो उनको डीबग करते हैं, और लास्ट में जो प्रोग्राम है अगर वेरीफाई कर देता है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसकी साइट पर। फिर साथ साथ उसको मेंटेन भी करते जाते हैं और उसको अपडेट भी करते जाते हैं, और लास्ट पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर दी जाती है ताकि जो एंड यूज़र है उसको भी हेल्प रहे इन फ्यूचर, और जो प्रोग्रामर है उसकी भी हेल्प रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें जी, और अगर अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक करें, और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।